जनादेश गलत निकाला और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बिरादरी के लोगों के साथ भाजपा कांग्रेस उसके गठबंधन केवल और केवल अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। केवल आपको नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से यूज करना चाहता है आपने देखा होगा। मैं गांव का रहने वाला हूं, आप सभी लोग गांव से संबंध रखते हैं। मछली मारने वाला जब मछली मारता है तो कटिया में मीट लगाता है और मीट लगा करके रस्सी डाल के बैठ जाता है। मछली उस केंचुआ या मीट को देख करके शिकार समझती है और शिकार करने आती है, स्वयं शिकार हो जाती है। आज मोदी को आरएसएस भाजपा ने उसी प्रकार से प्रोजेक्ट किया है। अगर बैकवर्ड कास्ट का आदमी या पिछड़े वर्ग का आदमी धोखा खाता है तो ये जो आंदोलन जन आंदोलन है वो कहता है कि 2020 में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही बाबरी मस्जिद को कल्याण सिंह से गिरवाया, तमाम लोगों को यूज किया है। उन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी और जवाहर ने यूज किया, पूरे देश की जितनी भी कमेटियां थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने का उन्होंने प्रस्ताव पास करके भेजा था। केवल एक वोट के आधार पर गांधी को प्रजातंत्र मानते हो, उसे सबसे पहले प्रजातंत्र की हत्या की। एक वोट पाने वाले को गांधी ने अध्यक्ष बनाया और देश का प्रधानमंत्री बना। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था कि ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले धोखा अगर किसी को मिला है तो वो ओबीसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पिछले वर्ग के आरक्षण की बात जब बाबा साहब ने संविधान सभा में रखी तो उसका विरोध किया। वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने पिछले वर्ग के विकास का रास्ता रोका। दूसरे आए चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद उसे नाराज हुए गुजरात जनता दल बनाया, उनका भी प्रयोग किया गया। केशु भाई पटेल का भाजपा ने 33 वर्ष तक प्रयोग किया, आज बाहर कर दिया है, कोई मतलब नहीं रखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भाजपा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है उसका मकसद है कि देश के मूल निवासियों को शासित शोषित बनाए रखने के लिए मोदी का केवल प्रयोग हो रहा है, उसका और कुछ नहीं। जो यशु आप यूनिटी का नारा दिया है मोदी ने, मैं प्रश्न करना चाहता हूं मोदी साहब से। मोदी साहब ने एक भाजपा और आरएसएस ने ऐसी नीति खेली है कि पटेल जो वहां पर गुजरात में शासन करते थे, शासक बने हुए थे, शासन सत्ता में बैठते थे, इसी मोदी ने क्या किया, सारे पटेल लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया है और वोट पाने के लिए क्या कह रहा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बना रहा है, वो इस समाज के लोगों से क्या संबंध है। इस तमाम प्रकार की बातें जो मोदी करते हैं, प्रश्न करना चाहता हूं मोदी की स्पीच भाषण सुनिए, क्या मतलब है देश के संबंध। आप सोनिया गांधी की स्पीच सुनिए, आप राहुल गांधी की स्पीच सुनिए, क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। कल्याण सिंह उमा भारती विनय कटियार गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह उमा भारती विनय कटियार को तब तक प्रयोग किया गया जब तक बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं कर दिया गया। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद एक पिछवाड़े में लात मार के उमा भारती को और कल्याण सिंह को बाहर कर दिया, विनय कटियार की पूछ कर समाप्त हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा उपयोग करती है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शासक बनाए रखने के लिए और शासन सत्ता में बनाए रखने के लिए मूल निवासी समाज में, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे वो इसे धर्मपत्र मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई हों, उनका मकसद उनसे कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद का प्रयोग किया, पासवान जी का प्रयोग किया, नीतीश कुमार का प्रयोग किया, मुलायम सिंह जी का प्रयोग किया, मायावती का प्रयोग किया, शरद पवार का प्रयोग किया, करुणानिधि का प्रयोग किया, तमाम लोगों का, ओबीसी के लोगों का और अनुसूचित जाति के नेताओं और अल्पसंख्यक के नेताओं का, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने प्रयोग किया है और 66 साल की आजादी में भारतीय संविधान को निष्प्रभा भी बनाया है। मेरे कहने का मतलब है, मैं निवेदन करने आए हैं ओबीसी के लोगों से कि जिस प्रकार से तमाम नेताओं का उपयोग किया गया है उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी का उपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं, उन्होंने कहा झांसी की भाषण में कि मुझे 60 दिन दे दो, मैं 60 दिन के अंदर पूरे देश का कर्ज समाप्त कर दूंगा, विकास कर दूंगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आप भी प्रश्न करना जनता के अंदर जाकर के, 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय वहां पर 43,103
करोड़ रुपया गुजरात पे कर्ज था, आज 2013 में 1,76,000 करोड़ है। प्रश्न करो उससे किस प्रकार से देश क्या गिरवी रखा जाएगा, 3 गुना 4 गुना वहां पर कर्ज बढ़ा है, किस प्रकार से तुम माफ कर दोगे। विकास की बात करते हैं, विकास करेंगे, अति पिछड़े वर्ग का विकास करेंगे, इसका अन्य पिछड़े वर्ग का विकास करेंगे, अनुसूचित जाति का विकास करेंगे। प्रश्न करो उनसे किस प्रकार से आप विकास कर सकते हो, किस प्रकार से देश को महाशक्ति बना सकते हो। मेरा दावा है कि देश के अंदर अगर महाशक्ति देश बन सकता है तो तभी बनेगा जब वाम से पर भारत मोर्चा के विचारधारा का देश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये देश आपकी तरफ देख रहा है। मेरा कहने का मतलब है नया इतिहास लिखिए। जब जब देश का मूल निवासी शासक बना है तभी तभी देश महाशक्ति बना है, और जब जब देश का शासक ब्राह्मण युवेश्वर ब्राह्मण बना है तब देश का सत्यानाश हुआ है। मैं नहीं कहता हूं, ये भारतीय सामाजिक इतिहास का जो किताब लिखी है वो जयशंकर मिश्र ने लिखी है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है, जो सतीश कुमार जी बोल रहे थे उन्हीं के प्रांत से प्रकाशित है। उसके 30 पेज पर लिखा हुआ है कि देश का जो बाहर से आए हुए ऋषि ब्राह्मण थे वो बर्बर असभ्य अवैज्ञानिक थे, उन्होंने सिंध सभ्यता का विनाश किया। यहाँ के सिंध सभ्यता का निर्माता यही मूल निवासी था, जब सिंध सभ्यता का निर्माता यही मूल निवासी था जब तुम शासक थे तो दुनिया का तीसरा ताकत तीसरा पैसा इसी देश का था, महादेश महाशक्ति था। 1500 ईसा पूर्व में आकर के ऋषि ब्राह्मणों ने देश पर